हेलो फ्रेंड, आप सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि। तो आज महाशिवरात्रि है, बस छोटा सा ब्लॉग है। तो हम लोग मंदिर गए थे दर्शन करने। देखिए, ये हमारे साइड का, रुद्रपुर साइड का दिग्धेश्वर नाथ मंदिर है। नाथ बाबा भी वो बोलते हैं, तो हर हर महादेव। देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। और जैसे हम लोग मंदिर के पास पहुँचे तो अंदर से झांकी निकल रही थी भोले बाबा और माता पार्वती जी की। और देखिए डीजे भी चल रहा था, सारे लड़के डांस में लगे हुए थे। तो मैंने म्यूट कर दिया है क्योंकि कॉपीराइट आ जाता, तो मैंने म्यूट किया है। और देखिए पीछे से झांकी भी आ रही है। तो आप लोग दर्शन करिएगा, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। बस शिवरात्रि के उपलक्ष्य पर मैंने छोटी सी वीडियो डाली है, तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा और वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। देखिए अब बस झांकी आने ही वाली है, तो आप लोग दर्शन करिएगा। और ये जो यहाँ के बाबा जो है ना, वो ज़मीन के अंदर से निकले हुए हैं। और यहाँ बहुत सारी शिवलिंग भी है, बहुत ज़्यादा शिवलिंग है। तो आप लोग, मैं इसका पार्ट बाद में डालूँगी, बस अभी थोड़ा सा डाली हूँ क्योंकि पूरा क्लिप नहीं ले पाई थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, वीडियो सही से नहीं बन पाई थी। बस बाहर की झांकी थी और मंदिर का थोड़ा सा। और आज तो वीडियो बनाना भी अलाउ भी नहीं था यहाँ पे। अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। देखिए झांकी आ गई है, ये पहला रथ है और इसके पीछे वाले रथ पे, देखिए ये पहला रथ और इसके पीछे वाले रथ पे भोले बाबा और माता पार्वती जी बैठे हैं। क्या करूँ, बहुत कोशिश कर रही थी कि अच्छे से वीडियो आए पर नहीं आ पा रही थी, क्योंकि सब लोग वीडियो बनाने में लगे थे, सब लोग आगे आगे खड़े थे, मैं थोड़ी पीछे हो गई थी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए माता पार्वती और भोले बाबा का दर्शन आप भी करिए। और ये देखिए, ये अंदर का थोड़ा सा दृश्य है। और ये मैंने बस एक दिन पहले का, शिवरात्रि के एक दिन पहले का ये फोटो है और शिवरात्रि के दिन का भी है। वीडियो तो बनाना अलाउ नहीं था तो मैंने फ़ोटो लिया था, वही डाल दिया। आप लोग दर्शन करिए और आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें भगवान जी, भोले बाबा जी। तो आप सभी को फिर से हैप्पी शिवरात्रि। और मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो फिर से एक बार बोल रही हूँ, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। हर हर महादेव।